रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। Excuse me, इसे मैं लेके जाती हूँ। सुनिए, ये ब्लड बैंक कहाँ? सर आगे से लेफ्ट। यहाँ पर? Yes sir. Thank you sister. कि आप ऐसा नहीं कर सकती, वो उसकी बीवी है, उसकी धन पत्नी हो। गीता, कम से कम रिकी के बारे में तो सोचो। सब सोच लिया। मुझे नहीं रहना है बस। मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ। मैं अपने बेटे को बचाने आई हूँ। तुम्हारा बेटा? हाँ, जो इस वक्त तुम्हारी वजह से इस हाल में पड़ा हुआ है। तुम ऋत्विक को बचाने आई हो? तुम्हें एक बात याद दिलाऊं, वो इतना सा था जब तुम उसे छोड़कर चली गई थी। तुम उसे बचाओ? साफ साफ कहो क्यों आई हो यहां। मैं अपने बेटे की जान बचाने आई हूं। कौन है वो मेरा? और इस वक्त उसे मेरी जरूरत है। उस वक्त जरूरत थी, अब नहीं है। इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? मैंने उसे मजबूरी में छोड़ा था और तुमने क्या किया? प्यार करने की गुनाह की सजा दी है उसे, क्योंकि जिंदगी में उसने एक काम तुम्हारी मर्जी से नहीं किया था, इसलिए बेदखल कर दिया उसे, अकेला छोड़ दिया। तुम होती कौन हो? How dare you? चली जाओ यहां से। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना ही मेरे बेटे को। इस वक्त उसे सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरे खून की जरूरत है। अब वो जरूरत तुम तो पूरी कर नहीं सकते। हाँ, मैं उसे छोड़ के चली गई थी, पर उस वक्त मेरी मजबूरी थी। लालच था, मजबूरी नहीं थी। कम से कम मैं अपनी खामियां जानती तो हूं विजय, इसलिए तुम्हारे पास छोड़ के गई थी, क्योंकि उसकी परवरिश मुझसे बेहतर तुम कर सकते थे। उसे छोड़ के गई थी तुम्हारे पास, तो तुमने क्या किया? उसके अंदर इतना जहर घोल दिया कि वो अंदर से टूट गया था। और जब किसी ने उसे जोड़ने की कोशिश की, जब उसकी जिंदगी में प्यार आया, तब तुमने उसे छोड़ दिया। तुम मुझे यहाँ ये सिखाने आई हो कि मुझे अपने बेटे की परवरिश किस तरह करनी चाहिए? मैं सिर्फ अपने बेटे को बचाने आई। ये बहस करने की जगह नहीं है। इस वक्त की तबीयत ठीक नहीं, चलिए आप यहाँ से। हमें उसके साथ रहना चाहिए।